जिंदगी में जब जब ऐसा वक्त आता है कि हमें मैदान छोड़ने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जब जब आपको लगे कि मुश्किलें तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, जब जब आपका मन कहे कि अब वापस लौट जाना ही मेरे लिए अच्छा होगा, तब तब सिर्फ एक छोटा सा काम करना, क्या पता उसके बाद सफलता तुम्हारे कदमों में आके गिरे। याद रखना दोस्तों, वह चीज तो बहुत छोटी है लेकिन प्रभाव बड़ा डाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं कैची बॉय आपका और एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज से 170 साल पहले की बात है, अमेरिका में आर्यू डार्बी नाम का एक युवक रहता था। यह उस दौर की बात है जिसे गोल्ड रश के दौर से भी जाना जाता है। वहाँ यूँ था कि कैलिफोर्निया में कुछ लोगों को जमीन से सोना मिला था। जब यह बात पूरी दुनिया में फैल गई तो दुनिया भर से 3 लाख लोग सोने की खोज में कैलिफोर्निया आए थे। आर्यू डार्बी के अंकल भी उसमें शामिल थे। उन्होंने कुदाली फावड़ा लेके जमीन के एक टुकड़े पर खुदाई चालू कर दी, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि जितना सोना जमीन के अंदर है उससे कई गुना ज्यादा सोना इंसानों के विचारों में होता है। जमीन की खुदाई से पहले विचारों की खुदाई करना जरूरी होती है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे ये क्या बहकी बहकी सी बातें कर रहा है, लेकिन दोस्तों यह सच है और इसका प्रमाण तुम्हें वीडियो के अंत में मिलेगा। फिलहाल कहानी पर वापस लौटते हैं। तो डार्बी के अंकल कुदाली फावड़ा लेके जमीन की खुदाई में लग गए। कई सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें सोना मिल गया। उसे देखकर उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वे फुला नहीं समा रहे थे। अब सोना तो मिल गया था, लेकिन सोने को खदान से बाहर निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत थी, जो कि उनके पास नहीं थी। इसलिए डार्बी के अंकल ने चुपचाप खदान का मुंह ढक दिया और अपने घर वापस लौट आए। घर आकर उन्होंने रिश्तेदारों और उनके कुछ दोस्तों के बात बताई। उन सभी ने मिलकर मशीनें खरीदने के लिए धन जुटाया। मशीनें खरीदी गई। डार्बी और उसके अंकल मशीनें लेकर खदान पहुंचे। मशीनों ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे जैसे मशीनें नीचे जा रही थी, वैसे वैसे डार्बी और उसके अंकल की आशाएं आसमान छू रही थी। तभी एक दुर्घटना घटी जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जिस गहराई पर उन्होंने खदान का मुंह ढक दिया था, वहां पर सोने की एक झलक दिखाई दी और गायब हो गई। वे खोजते रहे कि काश एक बार सोना मिल जाए, परंतु सारी मेहनत बेकार गई। आखिरकार उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कबाड़ी को मशीनें तोड़ियों के मोल बेच दी और असफलता को लेकर वापस लौट गए। जिस कबाड़ी को मशीनें बेची थी वो आम कबाड़ियों से अलग था। उसे एक बात मालूम थी कि किसी भी चीज में, किसी भी काम में हार मानने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए, और उसने वही किया। एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और उससे खदान का निरीक्षण करवाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि यह प्रोजेक्ट इसलिए फेल हुआ क्योंकि इसके मालिक यह नहीं जानते थे कि बीच में फॉल्ट लाइन आती है। इंजीनियर के अनुसार सोने की झलक मात्र 3 फुट नीचे थी जहां से डार्बी ने खुदाई बंद की थी, और इंजीनियर का अनुमान सच साबित हुआ। कबाड़ी को खदान से लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिल गया। वह रातों रात अमीर बन गया, और वो भी सिर्फ एक चीज की वजह से। उसने जमीन की खुदाई नहीं की थी, बल्कि विचारों की खुदाई की थी, दिमाग की खुदाई की थी। उसे मालूम था कि किसी भी काम को करते समय जब ऐसा वक्त आता है कि हमें हार मानने के अलावा कोई रास्ता दिखना बंद हो जाता है, तो वहाँ पर, उस टाइम पर सिर्फ एक काम करना चाहिए, अपने फील्ड के एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। क्या पता कि जहाँ से हम हार मानते हैं वहाँ से सिर्फ एक कदम की दूरी पर सफलता हाथ में माला लेके हमारा इंतजार कर रही है। याद रखिए दोस्तों, डार्बी और उसके अंकल सिर्फ इस वजह से असफल हुए थे कि उन्होंने एक्सपर्ट की सलाह नहीं ली थी, और कबाड़ी सिर्फ इस वजह से सफल हुआ था कि उसने एक्सपर्ट की सलाह ली थी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर सच में वीडियो से आपकी ज़िंदगी में कुछ फर्क पड़ा है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो से आपको फर्क पड़ता है और आपके एक सब्सक्राइब से हमें फ़र्क पड़ता है।